हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम अर्चना है और ये मैं बनाया लड्डू गोपाल का आसन। तो ये आसन है बहुत ईजी है और बहुत सुंदर है बनाने में। चलो हम स्टार्ट करते हैं कि ये कैसे बनाना है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, सबसे पहले पांच फंदे की एक चेन बना लूँगी। एक, दो, तीन, चार और ये पाँच। इसको मैं नीचे से घींच दूँगी और मैं इसको यहाँ पर ज्वाइंट कर दूंगी। ये ऐसे। और हम इसको मुझे तब तक बनाना है, डबल क्रोशिया ही बनाना है। तो इसमें को मैं क्या करूँगी, तब तक बनाऊँगी जब तक कि जो होल है, छोटा सा होल, ये भर ना जाए। तब तक हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाते रहेंगे। ये मैं लड्डू गोपाल की आसन बना रही हूँ, तो बहुत ईजी है बनाना, आप आराम से बना सकते हो। और यहाँ पर जो है, मैं पूरे होल को पहले ऐसे ही डबल क्रोशिया से इसको मैं भर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मुझे आगे में क्या करना है। तो ये देखिए, बस मुझे ऐसे ही पूरे बना लेने हैं, ऐसे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने पूरा बना के ये तैयार कर लिया है। और अब मैं क्या करूँगी, इसको यहाँ पर ज्वाइंट कर दूँगी। इस फर्स्ट वाले जो चेन है, इस चेन में हम यहाँ पर ज्वाइंट कर देंगे इसको, ऐसे करके। अभी जो है बिल्कुल बन के रेडी हो चुका है। तो मैं अब आगे में बनाने वाली हूँ, क्या करूँगी, यहाँ पर मैं शॉर्ट क्रोशिया बना रही हूँ, डबल क्रोशिया नहीं बनाऊँगी। तो इसको मैं नीचे से पहले डालूँगी बिना फंदा लिए हुए, ऐसे हम इसको डालेंगे और ऐसे इसको हम निकाल के ऐसे हम गिरा देंगे, ऐसे। फिर हम इसको ऐसे डालेंगे, फिर हम ऐसे गिरा देंगे, फिर मैं इसको ऐसे डालूँगी, फिर ऐसे गिरा दूँगी। तो ऐसे ही हम बनाते चले जाएंगे। ये जो पूरा रो है, ये ऐसे ही हम बनाएंगे। इसमें यहाँ पर मैं शॉर्ट क्रोशिया बना रही हूँ, डबल क्रोशिया नहीं बना रही हूँ, इसलिए मैं फंदा नहीं ले रही हूँ। ये देखिए, मैंने जो बनाया, तो हम ऐसे ही बना लेंगे पूरे लाइन, फिर हम आपको दिखाएंगे। लेते हैं पहले। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर जो है ये पूरे लाइन बना लिया। ये ऐसे डिजाइन आ रहा है शॉर्ट क्रोशिया में, ये बहुत सुंदर लगता है देखने में। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर से दूसरा ऊल लेने वाली हूँ। यहाँ पर देखिए, मैंने ये जो है दूसरा कलर इसमें ऐड कर दिया है, दूसरा ऊल लगा दिया है। और हम इस रो में हम क्या करेंगे, तो हम डबल क्रोशिया ऐसे बनाते चले जाएंगे। एक रो डबल क्रोशिया बनाएंगे और एक रो जो है हम शॉर्ट क्रोशिया बनाएंगे, ऐसे ही बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया बनाएंगे एक रो, और एक रो शॉर्ट क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक रो डबल क्रोशिया बनाया, एक शॉर्ट क्रोशिया बनाया, ऐसे ही यहाँ पर मैंने फिर से डबल बना रही हूँ। उसके बाद मैं फिर शॉर्ट बनाऊँगी, फिर जो है हम दूसरा कलर इसमें येलो कलर ऐड कर लेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ। पर देखिए, मैंने दो रो बना लिया है, सॉरी, ये एक रो मैंने बना लिया इस कलर से। ये मैंने डबल क्रोशिया को बनाया। अब मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर से एक और रो बनाऊँगी, तो मैं शॉर्ट क्रोशिया बनाने वाली हूँ। तो शॉर्ट क्रोशिया में हम ऐसे फंदा नहीं लेते हैं, सिर्फ इसमें डालते हैं ऐसे, और इसमें डाल के ऐसे हम इसको गिराते जाते हैं। इसके ऊपर से हम एक न्यू चेन ऐसे बनाते हैं। इससे क्या होता है कि हमें फंदा बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और ये खुद ही फंदा बढ़ जाता है। तो मुझे इस रो में ऐसे ही सारा बनाना है, ऐसे करके, ऐसे करके फिर एक यहाँ पर एक न्यू चेन बना लेंगे। ऐसे मुझे फंदा नहीं बनाना पड़ता है और ये खुद ब खुद ये बढ़ता जा रहा है। तो हम ऐसे ही बना के तैयार कर लेंगे। फिर हम, अब आपकी मन की बात है, तो आप तीसरे कलर भी इसमें ऐड कर सकते हो। जितना कलर डालोगे उतना अच्छा लगेगा आपको। तो बस मैं यहाँ पर ऐसे ही बना के, जितना बड़ा मुझे बनाना है मैं बना के तैयार कर लेती हूँ। बस इसमें दो लाइन बनाना है, एक डबल क्रोशिया और एक शॉर्ट क्रोशिया। शॉर्ट क्रोशिया में बस इस बात का ध्यान रखना है कि हम ऐसे करके
लेंगे और फिर इसके ऊपर ऐसे एक न्यू चेन बना लेंगे, ऐसे नीचे से डालेंगे फिर एक न्यू चेन बना लेंगे। तो शॉर्ट क्रोशिया में बस यही करना है, कोई कहीं फंदा नहीं बनाना है मुझे, ये ऐसे ही खुद बनता चला जाएगा। इसके बाद आपको जो कलर चेंज करना है जहाँ पर जो लगाना है वो आप लगा सकते हो ऐसे ही, फिर इसमें एक न्यू चेन ले लेंगे, बस ऐसे ही चलता जाएगा ये। तो चलो मैं इसको बना के कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने इतना जो है मैंने बना लिया है, और अब मैं आगे क्या कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पर शॉर्ट क्रोशिया बना रही हूँ। अब मैं जो है ये डबल क्रोशिया नहीं बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने एक लाइन ये भी शॉर्ट क्रोशिया बनाया है और ये भी शॉर्ट क्रोशिया, और यही शॉर्ट क्रोशिया ही बनाऊँगी ऊपर तक। मुझे जितना बड़ा बनाना होगा तो उतना मैं शॉर्ट क्रोशिया ही बनाते चले जाऊँगी। और यहाँ से जो है मैंने इसके बाद से इस लाइन से मैंने न्यू चेन डालना भी बंद कर दिया शॉर्ट क्रोशिया में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं बस ऐसे ही बना रही हूँ, ऐसे करके बनाना होगा, मैं उतना ऐसे ही बना लूँगी, यहाँ पर कोई चेन नहीं लूँगी। नहीं तो आपके जो ये आसन बनाओगे फिर इसमें ये मोड़ मोड़ के जैसे होने लग जाएगा, फिर बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो ये डिज़ाइन आएगा आपके ऊपर में और ये बहुत सुंदर लगता है। तो आपको कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताना। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।